बड़ा आयोजन जो हुआ है वो सिर्फ मदन पालीवाल जी ही कर सकते हैं। जयपुर के बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं यहाँ के, और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं मुरारी बापू जी के साथ। इनका बहुत सुंदर सा एक नाता है बहुत सालों का। राम कथा वैसे ही वो बहुत बड़ी बात है करना, इसमें फिल्म स्टार की वजह से कोई बड़ी बात बनने वाली कुछ नहीं। राम राम जी हैं, राम के सामने तो हम लोग को क्या कुछ भी नहीं, इसलिए भगवान। जब मैं आई हूँ यहाँ पे, आज राम जन्म हुआ इधर, तो बड़ा अच्छा लगा कथा सुनकर। प्रेम ही सबसे उत्तम है, बहुत ही बड़ा है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में प्यार से कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके करना चाहेंगे कभी होगा ही नहीं। तो खास तौर पर जो रिलेशनशिप होती है हस्बैंड एंड वाइफ में, झगड़ा क्यों होता है, जस्ट ईगो ना। तो आज कितनी अच्छी तरह से कह रहे थे बापूजी की, आदमी में एक ही शुड लव हिज वाइफ एंड एट द सेम टाइम द वाइफ शुड ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर अ मैन। दिस इज एग्जैक्टली, मैं मेरी बेटी को भी हमेशा बोलती हूँ, जब शादी हुई तो सब कुछ क्या बताया, आई सेड यू मस्ट रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, कि एक आदर होना चाहिए, वो आदर करने लायक भी होना चाहिए वो आदमी, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज ऑल कम्स ओनली विद लव। आई एम बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ वेरी रिलीजियस माइंडेड, एट द सेम टाइम वी आर वेरी स्पिरिचुअल। मुझे बचपन से ही मुझे मेरे माँ बाप ने नृत्य सिखाया, इंडियन क्लासिकल डांस, हिंदुस्तान के जो सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक कला है, संगीत हो या नृत्य हो, ये सबको सीखना चाहिए। उससे क्या हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और एक ईश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहने का एक अवसर मिलता है। एनिमेशन फिल्म सब बन रही, बड़ी अच्छी बात है। मैं बहुत पहले सोचती थी कि छोटे बच्चे थे मेरे आना ईशा, तो कार्टून नेटवर्क बहुत देखते थे, तो उसमें कई कई कैरेक्टर्स आए थे, व्हाई कांट दे मेक समथिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा और यू नो हनुमान जी गणेश जी के ऊपर, अभी सब बनने लग गया है। इट इज़ वेरी नाइस, आई डोंट थिंक फिल्म एनीबडी इज मेकिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत धार्मिक होंगे घर में, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सब लोग भगवान से डरते हैं, ये नहीं हो जाए, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन बाहर आते वो अपने आप को बड़ा मॉडर्न समझते हैं, तो ओ ये मैथोलॉजिकल, ओ ये क्या है, ऐसा जरूर बोलते हैं वो लोग। आई डोंट थिंक दे विल एवर मेक ए फिल्म ऑन। टीवी सीरियल जरूर बन सकती है, फिल्म के ऑडियंस अलग ही है। मैं पहले बता दूं, मैं महान नहीं हूं, आई एम वेरी वेरी ऑर्डिनरी, महान कलाकार कुछ नहीं हूँ मैं, बस वॉट एवर लिटिल बिट आई बीन डूइंग। एंड मुझे बहुत खुशी है कि पब्लिक ऑडियंस ने मुझे बहुत प्यार दिया, मान दिया। मैं फिल्म एक बनाई थी हाल ही में, लेकिन बिल्कुल नहीं चली वो, और मेरा बहुत ही दिल टूट गया है। अगर आप बोलेंगे दूसरा फिल्म बना, मैं नहीं बनाऊंगी, अगर आप लोग पैसा डालेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आई डोंट वांट टू मेक ए फिल्म, बिकॉज़ इट्स टू मच ऑफ रिस्क। एंड फिल्म में काम करने के बोलेंगे मैं ज़रूर करूँगी, आई कैन एक्ट वेल। बहुत सुंदर व्यवस्था मदन जी ने बनाई है और कोई कर नहीं सकता, मैंने पहले ही कहा था। इतना बड़ा आयोजन किया है जिसमें दिन में पूरा आपको भक्ति भाव में घोर विभोर हो जाएंगे, और शाम को आप नृत्य गान, लिटिल लाइटर म्यूजिक एंटरटेनमेंट है। इट्स वेरी नाइस, ही हैज कंबाइंड वेरी बैलेंस्ड बोथ द साइड।